अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से। आप सबका स्वागत है हेना किचन एंड ब्लॉग्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रोटी है और हम आज बनाने वाले हैं लेफ्ट ओवर रोटी से बहुत ही मज़ेदार नाश्ता का रेसिपी। लेफ्ट ओवर मतलब बचा हुआ रोटी। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि रोटी बच जाता है और आप सोचते हैं क्या करूँ, फेंक दूँ, या बहुत लोग नहीं भी खाना पसंद करते, इसलिए मैं उन लोग के लिए नाश्ता का रेसिपी बनाना बताऊँगी। तो आप फुल वीडियो देखिए, बहुत ही यमी नाश्ता का रेसिपी बनाऊँगी आप लोगों के लिए स्पेशली। तो जैसे कि रोटी बच जाता है, आप सोचिएगा क्या करूँ क्या करूँ, तो इसलिए बहुत ही जल्दी घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आप लोग को नाश्ता बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो घर पे इंग्रेडिएंट्स है उसी के साथ मैं बनाने वाली हूँ। तो आज मैं जो रेसिपी बनाने वाली हूँ उसका नाम है या लेफ्ट ओवर रोटी का नाश्ता, जो बहुत ही अच्छा बन के रेडी होगा और मीठा बनेगा। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है, तो चलिए मैं दिखा देती हूँ। जैसे कि अभी महंगाई का वक्त है और हम रोटी वेस्ट भी नहीं कर सकते, और कभी कभी ऐसा होता है कि खाने का मन भी नहीं रहता, तो क्या किया जाए उस रोटी का, तो चलिए आज मैं बताती हूँ हम क्या कर सकते हैं वो रोटी का, हम लोग कितना अच्छा मज़ेदार नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि रोटी बच जाता है उसको क्या किया जाए, मैंने रोटी बच गया था तो मैंने इसको फ्रिज में उठाकर, नॉर्मल टेम्परेचर फ्रिज में उठाकर मैंने रख दिया था। और देखिए मेरे पास 1, 2, 3 रोटी है, तो मैंने 3 रोटी को मैंने फ्रिज में रख दिया था। और आज मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि रोटी का नाश्ता कैसे बनाया जाए। तो मैंने 3 रोटी ले लिया है, 2 से 3 टेबल स्पून शुगर, 1/2 बोल मिल्क, 8 से 10 काजू, 2 बादाम, 1 अखरोट, किशमिश, 2 इलायची, 1 लौंग, 1 छोटे साइज की दालचीनी, और इसमें हम घी भी यूज़ करेंगे, घी से ही हमारा रेडी होगा। तो आप देख सकते हैं कितने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, और वो भी हमारे घर पे जो अवेलेबल रहता है वही इंग्रेडिएंट्स के साथ कितना मज़ेदार नाश्ता बनेगा, वो भी लेफ्ट ओवर रोटी से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए मैंने ये रोटी ले लिया है, इसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेना है। मैं आपको छोटे छोटे पीसेज में इसको तोड़ कर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ऐसे करके रोटी को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे, और जो बच्चे नए भी खाना पसंद करेंगे ना, वो भी खाने लगेंगे, इतना मज़ेदार ये मीठा नाश्ता बन के रेडी होगा। तो चलिए मैं आगे का स्टेप दिखाती हूँ, पूरा फॉलो कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी बन के नाश्ता रेडी होगा। तो देखिए मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, तो देखिए अब मैं डाली हूँ 1 टेबल स्पून डालडा घी, अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून सीरी घी, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आने वाला है। और अब मैं इसको मेल्ट होने देती हूँ। तो देखिए घी मेल्ट हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी 2 इलायची, 1 लौंग और 1 दालचीनी, और इसको मैं 1/2 मिनट के लिए सॉटे कर लूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखा है, काजू, बादाम। तो देखिए मैंने डाल लिया है, इसको भी मैं सॉटे कर लूँगी, मीडियम फ्लेम में सॉटे करूँगी, ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं करूँगी, नहीं तो घी जल सकता है। तो देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी दूध। जैसे कि मैं 1/2 बोल दूध डाली हूँ, वैसे ही 1/2 बोल मैं पानी डालूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी 2 से 3 टेबल स्पून शुगर, मीठा आप अपने स्वाद अनुसार रख लीजिएगा। अब मैं इसको बॉयल आने देती हूँ, इसका गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है, बॉयल आने देती हूँ। तो देखिए बॉयल आ रहा है, और हमें दूध थोड़ा सा और कम लग रहा था, मैंने 4 से 5 टेबल स्पून मैंने दूध और डाल लिया है इसमें। तो देखिए बॉयल आ चुका है, अब मैं ये सारा रोटी जो मैंने तोड़ कर रखा है ये सारा मैंने इसमें डाल लिया है, और इसको मैं मिक्स कर ले रही हूँ। तो देखिए बॉयल आ रहा है, और मैंने गैस का फ्लेम हाई रखा है। बॉयल आने के बाद इसको लो फ्लेम में करके इसका लिड कवर कर दूँगी और 2 मिनट तक रखूँगी, उसके बाद मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो देखिए अब मैं बंद कर दे रही हूँ, और 2 मिनट बाद इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है और ये बॉयल आ रहा है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ढक कर मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। 5 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए 5 मिनट बाद ये कितने अच्छे से सारा रोटी एकदम नरम हो चुका है और दूध के संग अब्सॉर्ब हो चुका है, कितना अच्छा और कितना मज़ेदार बन के ये रेडी हुआ है, और बहुत ही अच्छा मीठा
नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, अब मैं सर्व करती हूँ। देखिए इसमें दूध भी है, रोटी भी है, सारा प्रोटीन एक साथ एक ही चीज़ में, और नाश्ता का नाश्ता भी हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी भी हो चुका है। तो देखिए हमारा लेफ्ट ओवर रोटी से बहुत ही मज़ेदार स्वीट नाश्ता बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही यम्मी बन के ये रेडी हुआ है। बच्चे से लेकर बड़े तक सब पसंद करेंगे, इतने मज़ेदार ये नाश्ता बन के रेडी हुआ है। रोटी वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ में भी आ गया, और नाश्ता भी बन गया, सब खाना भी पसंद करेंगे। और जब भी आप खाएं गरम गरम खाएं, गरम गरम सर्व करें अपने फैमिली मेम्बर को, वो भी पसंद करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फैमिली और फ्रेंड्स तक शेयर भी करें, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाली और प्यारी प्यारी वीडियोज़ आपसे मिस हो सकती है, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और जो हमारे चैनल में न्यू है, जो सिर्फ देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी सब्सक्राइब कर दें कि उन्हें भी पहले ही हमारा वीडियो मिल जाए, जब ये अपलोड हो पहले ही उन लोग तक पहुँच जाए वीडियो, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।